नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। प्रियाज मैजिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको स्टफ मशरूम बनाना सिखाएंगे। देखिएगा किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये हमने फ्रेश मशरूम लिए हैं, इनको धो लिया है और इनकी हम स्टीम को अलग करेंगे, उसके बाद आगे करते हैं। सबसे ज्यादा खाने में ये बटन मशरूम ही आते हैं, जिनको आज हम स्टफ करके बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके स्टेम्स को निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसके स्टेम्स को निकाल लिया है और ये कुछ इस तरीके के हो गए हैं, जिसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। और ये इसके स्टेम्स हैं, इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम काम में लेंगे। सबसे पहले हम दही लेंगे एक बाउल में, इसमें हम एक चम्मच बेसन डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। इसके अंदर हमको मशरूम को मैरिनेट करना है। खूब अच्छे से हिलाएंगे। अब हम एक पैन के अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल हम थोड़ा ही डालेंगे इसमें और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। सब्जियों को हमको बारीक काटना है, जिससे स्टफिंग में आसानी रहे। थोड़ा ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे हम। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे, बिल्कुल बारीक कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे। इसको थोड़ा गलने देंगे। अब इस बैटर के अंदर हम मशरूम डालेंगे और इनको मैरिनेट करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से करेंगे, क्योंकि हमको इनको अभी अंदर भरना है। और इनको हम ढक के रख देंगे। ये शिमला मिर्च और प्याज हमारा भुन चुका है। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये जो मशरूम के स्टेम्स थे, ये इसे हम डालेंगे बिल्कुल बारीक कट करके। और अब तेज आंच पे इसको भूनेंगे, क्योंकि मशरूम के स्टेम्स में पानी बहुत होता है, इसलिए हम इसको तेज आंच पे भूनेंगे। मैरिनेट करा हुआ मसाला इसमें डालेंगे, एक से दो चम्मच इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इस स्टेज पे अब हम इसको ठंडा होने रख देंगे। अब हम इन्हें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालेंगे और थोड़ा सा मोजरेला इसमें डालेंगे। ये हमने मोजरेला इस पर डाल दिया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको मशरूम के अंदर भरेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं, ठंडा हो गया है। फ्रेंड्स, ये हमने मशरूम को भर दिया है। अब हम इसको पैन के अंदर रखते हैं। पैन में तेल हमारा गरम हो चुका है, हमने बहुत ही थोड़ा सा तेल लिया है। और इसको हम मशरूम को इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पे इनको पकने देंगे। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में बना सकते हैं, पर मैं इसको फ्राई पैन में ही बना रही हूँ। इसी तरह से सारे मशरूम हम इसमें रख देंगे। इनको हम धीमे धीमे पकने देंगे। फ्रेंड्स, ये हमने इनको पलट दिया है, बहुत ही सुंदर सिक रहे हैं, गोल्डन कलर के हो गए हैं। दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिक जाएंगे, तब हम इनको निकालेंगे और प्लेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार हैं हमारे स्टफ्ड मशरूम, बहुत ही अच्छे बने हैं। गर्मा गर्म पराठे के साथ खाइए,
चाहे तो आप स्टार्टर की तरह भी इनको खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। प्रयास मैजिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे इसे बहुत मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आगे नई नई वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।